नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म गहराइयां के बारे में। ये आई है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, डायरेक्टर हैं शकुन बत्रा। शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, फिर अच्छे बुरे के बारे में बात करेंगे। यहाँ कहानी मुख्यतः चार किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। एलिशा एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ 6 साल से लिव इन में रह रही हैं। उनकी कज़न है टिया, ये अपने मंगेतर जेन के साथ अभी आई हैं। सभी लोग एक साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं और इसी दौरान एलिशा जेन के साथ कुछ नज़दीकियां महसूस करती हैं। दोनों के बीच थोड़ा आकर्षण पैदा होता है और यहीं से इन चारों की ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। दोस्तों, गहराइयां एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। यहाँ भावनाओं की गहराइयां तो हैं ही, यहाँ आपको प्यार, बेवफाई, स्वार्थ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से एक कैरेक्टर का ट्रबल्ड पास्ट उसके प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत थोड़ी बोझिल है, इसके साथ कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है उसमें हमारा इंटरेस्ट जगता है और फिल्म देखने में हम अच्छा भी महसूस करते हैं। यहाँ करेक्टर्स के जो इमोशन हैं वो काफ़ी गहराई से उकेरे गए हैं और यहाँ आपको डायरेक्शन भी अच्छा दिखता है। एक व्यक्ति के अंदर कई तरह की भावनाएं हो सकती हैं, किसी भी परिस्थिति में वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है और उसके जो मनोभाव हैं वो थोड़े बदलते भी हो सकते हैं। ये चीज़ें हमको यहाँ अच्छे से दिखाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का एक टेक अवे भी है और वो है मूव ऑन। जिंदगी कभी बहुत आसान नहीं होती है, परिस्थितियाँ कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको सब कुछ भुला करके आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को एक चांस और देना चाहिए। तो ये जो संदेश है, ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण संदेश है। आज जब हम भागदौड़ की जिंदगी में हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि कम नंबर आने के बाद छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उनको ये बात जरूर ही समझनी चाहिए कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है और हम सब के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी नहीं भी हुई हैं तो भी हमको आगे की तरफ देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उसको कैसे संवार सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में बहुत ज़्यादा कमियाँ भी आपको दिखती हैं और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो है कनेक्ट की। ये जो कहानी है ये अल्ट्रा मॉडर्न लोगों की कहानी है, रिच और सुपर रिच लोगों की कहानी है, और एक आम हिंदुस्तानी का इन कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। डायलॉग्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, फिल्म की लेंथ भी आपको ज़्यादा दिखती है, कहानी में कुछ लूप होल्स भी हैं और कुछ कन्वीनियंस भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ रखी गई हैं जो कि कन्वीनियंस के हिसाब से कर दी गई हैं। और दोस्तों, यहाँ किसिंग और इंटीमेसी के जो दृश्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठूंसे हुए से लगते हैं। यदि आपको प्रेम का आवेग दिखाना है तो एक या दो दृश्यों में आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ ढेर सारे दृश्य ऐसे रखे हुए हैं और ये रिपीटेटिव भी लगते हैं और ज़बरदस्ती के भी लगते हैं। दोस्तों, यदि अदाकारी की बात करें तो ये फिल्म दीपिका पादुकोण की है, बहुत अच्छी अदाकारी उन्होंने की है और यहाँ जो उनके एक्सप्रेशन है, जो उनकी भंगिमाएँ हैं, जो आँखों से वो कई बार बोलती हैं, वो सब देखना अच्छा लगता है। इसके अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, अनन्या पांडे हैं, धैर्य करवा हैं, ये सब अपनी जगह पर ठीक हैं। आप नेपोटिज्म की बात अगर एक तरफ कर दें तो अनन्या पांडे में यहाँ एक स्पार्क जरूर दिखता है, वो एक संभावना वाली अभिनेत्री दिखती हैं। दोस्तों, इसके अलावा नसरुद्दीन शाह हैं यहाँ या रजत कपूर हैं, तो इन लोगों के बारे में कहना ही क्या, थोड़े थोड़े दृश्यों में ये दिखे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसा कि आमतौर पर ये होते ही हैं। तकनीकी तौर पे भी ये फिल्म आपको अच्छी दिखती है, सिनेमेटोग्राफी यहाँ कमाल की दिखती है, खास करके जो डार्क शेड के दृश्य हैं वो अच्छे लगते हैं, या जिस तरह का कैमरा वर्क यहाँ इमोशन को कैच करने की कोशिश करता है वो बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक के डिपार्टमेंट में भी ये फिल्म आपको अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ये फिल्म है 148 मिनट की और ये थोड़ी लंबी लग सकती है आपको, बच्चों के साथ देखने लायक ये फिल्म नहीं है। और दोस्तों,
यदि आप एक समझदार दर्शक हैं, मानवीय भावनाओं को जानने में, उनके उतार चढ़ाव में आपकी रुचि है, आप कुछ सीरियस देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को एक चांस दे सकते हैं। यदि आप हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट में यकीन रखते हैं तो ये फिल्म आपको अच्छी नहीं लगने वाली है। और दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।